एक बार की बात है, एक लड़का और लड़की थे। उनका नाम आर्यन और रिया था। आर्यन और रिया बचपन के दोस्त थे। वे एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ खेलते थे। बड़े होने के बाद आर्यन और रिया को एक दूसरे से प्यार हो गया। वे एक दूसरे के लिए बहुत खास थे। वे सब कुछ एक साथ करते थे और एक दूसरे की हर खुशी गम में साथ देते थे। आर्यन और रिया की शादी हो गई और वे एक साथ बहुत खुश थे। उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। आर्यन अपनी नौकरी में बहुत मेहनती था और रिया घर की देखभाल करती थी। एक दिन आर्यन को अपनी नौकरी से ट्रांसफर मिल गया, उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। रिया और उनकी बेटी आर्यन के साथ नहीं जा सकीं, क्योंकि रिया के माता पिता बीमार थे और उन्हें उनकी देखभाल करने की जरूरत थी। आर्यन को दूसरे शहर में रहना पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकता था। वह अपनी पत्नी और बेटी को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। आर्यन दूसरे शहर में बहुत अकेला महसूस करता था। वह अपनी पत्नी और बेटी को बहुत याद करता था। एक दिन आर्यन का सामना एक महिला से हुआ। उसका नाम सारा था। सारा भी दूसरे शहर से थी और वह भी अपने पति से अलग रहती थी। आर्यन और सारा अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर मिलते थे और बातें करते थे। आर्यन और सारा को एक दूसरे से प्यार हो गया। आर्यन और सारा को पता था कि उनके रिश्ते में कुछ गलत है, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे। एक दिन आर्यन को अपनी पत्नी रिया से एक फोन आया। रिया ने आर्यन को बताया कि वह और उनकी बेटी उससे मिलने आ रही हैं। आर्यन बहुत खुश हुआ। वह अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए बेताब था। आर्यन को नहीं पता था कि क्या करना है। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन वह सारा से भी प्यार करता था। वह किसी को भी धोखा नहीं देना चाहता था। जब रिया और उनकी बेटी आर्यन के पास आईं, तो आर्यन ने उन्हें बताया कि वह किसी और से प्यार करता है। रिया बहुत दुखी हुई। उसने आर्यन को माफ नहीं किया और उसे छोड़कर चली गई। आर्यन ने सारा से भी ब्रेकअप कर लिया। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसने अपने जीवन से प्यार को खो दिया था। आर्यन वापस अपने शहर चला गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे माफ नहीं किया। वह आर्यन को देखना या सुनना नहीं चाहती थी। आर्यन बहुत दुखी था। वह अपनी जिंदगी काट रहा था। वह काम पर जाता था और घर आ जाता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह किसी से बात नहीं करता था। एक दिन आर्यन को अपनी बेटी से एक फोन आया। उसकी बेटी बीमार थी। आर्यन अस्पताल गया। उसने अपनी बेटी को देखा और उसे बहुत दुख हुआ। वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया था। आर्यन ने अपनी बेटी से वादा किया कि वह एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करेगा। उसने अपनी बेटी की मां रिया से भी माफी मांगी। रिया ने आर्यन को माफ कर दिया। आर्यन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। वह अब अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिताता है। वह अपनी बेटी को प्यार और देखभाल देता है। आर्यन ने अपनी गलती से सीख लिया है। वह अब जानता है कि प्यार कितना महत्वपूर्ण है। वह जानता है कि किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।